नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी लिमिट होती है ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस देखने को ना मिले। इसके अलावा और भी बहुत सी आपको जानकारी मिलेगी सेविंग अकाउंट के बारे में। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया जरूर है लेकिन मनी रिलेटेड कॉन्टेंट यहाँ पे आपको काफी अच्छा मिलता रहता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेविंग अकाउंट की। तो देखिए, अकाउंट कई तरह के बैंक में होते हैं, मिनिमम चार तरह के अकाउंट तो आपको मिले जाएंगे, जिसमें एक आम आदमी के ज्यादातर जो अकाउंट होता है वो होता है सेविंग अकाउंट। जो भी आम आदमी हो एक सेविंग अकाउंट रखता है। अब बात करते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट के अंदर आपने अगर पहले की बात की हो तो आपने देखा होगा कि जब भी हम 50,000 रुपये से ऊपर कैश जमा कराते थे तो वो हमसे एक पैन नंबर मांग लेता था कि हमें पैन नंबर लिखना पड़ेगा, या फिर अगर हमारा पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड जो है देना पड़ेगा। आजकल तो सभी बैंकों में ऑलरेडी पैन कार्ड लिंक्ड है, लेकिन आज भी वो पैन कार्ड का नंबर मांग लेते हैं। आज इसलिए मांगते हैं उसका भी बता देता हूं, क्योंकि जो जमा कराने वाला है उसका पैन नंबर मांगा जाता है कि वो अपने अकाउंट में जमा करा रहा है या फिर किसी दूसरे के अकाउंट में। और अब बात आती है कि हम कैश कितना तो निकाल सकते हैं और कितना जो है उसमें जमा करा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या है। वैसे आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि यहां पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम होता है ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कितना कैश जमा करा सकते हैं इसकी लिमिट है। ये एक इनकम टैक्स का एक्ट है 285BA, इसके तहत आप 10 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। कैसे जमा कराने वो बताऊंगा। 10 लाख रुपए जमा करा सकते हैं, 10 लाख ही निकाल सकते हैं, यानी या तो आप 10 लाख निकाल लीजिए या तो आप 10 लाख जो है जमा करा दीजिए। जैसे ही आप 10 लाख जमा कराएंगे 10 लाख निकालेंगे, इसकी जो डिटेल है वो इनकम टैक्स को बैंक दे देगा। किन किन तरीकों में दे देगा, मान लीजिए पहली बात तो आप सोचेंगे कि भाई एक व्यक्ति के पास कितने सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है, एक व्यक्ति कितने भी सेविंग अकाउंट रख सकता है। बट मैं सलाह दूंगा 2 अकाउंट रखें, बहुत है इनफ है, क्योंकि आप अगर ज्यादा अकाउंट रखेंगे और अगर आप ITR भरते तो आपको सब अकाउंट की स्टेटमेंट डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेगी और मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा सेविंग अकाउंट पे कुछ चार्ज भी लगते हैं, जैसे कोई मेंटेनेंस चार्ज होता है ATM का या कोई SMS चार्ज होता है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो 2 अकाउंट सफिशियंट है, इतने ही रखें, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, आप रख कितने भी सकते हैं। यहाँ पे आप 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट की बात हो, कैसे, मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है और आपने एक ही बार में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए या एक ही बार में 10 लाख विड्रॉल कर दिए, तो ये डिटेल्स इनकम टैक्स विभाग को दे दी जाएगी बैंक के द्वारा। अगर मान लीजिए सपोज आपके पास एक ही अकाउंट है लेकिन आपने 2.5 लाख रुपए करके पूरे फाइनेंशियल ईयर में 4 बार 10 लाख रुपए जमा कराए या 4 बार ही निकाले, तो भी कंप्लीट 10 लाख हो गए, तो भी ये डिटेल दे दी जाएगी आपके इनकम टैक्स विभाग को दी जाएगी बैंक की तरफ से। मान लीजिए आपके पास 2 या 3 अकाउंट है और तीनों में मिलाकर आपने 10 लाख रुपए जमा करा दिए, तो भी वो सारी बैंक आपकी जो डिटेल है वो इनकम टैक्स विभाग को दे देगी। तो कुल मिलाकर किसी भी तरीके से, चाहे आप बहुत सारी बैंकों में थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखें, चाहे एक ही बैंक में थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके निकालें, किसी भी तरीके से आप एक सेविंग अकाउंट खुलवाते या 2 खुलवाते 3 खुलवाते, सब में पैन कार्ड तो आपको लगाए, टोटल मिला के आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकते और ना ही डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, आप कर तो लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जो इनकम टैक्स विभाग है वहां आपकी डिटेल भेज दी जाएगी बैंक के द्वारा। अब इनकम टैक्स विभाग का अगर आपके पास नोटिस आता है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पैसा आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया है वो कहां से आया, उसका सोर्स क्या है। अगर आपका जो सोर्स है वो आप बताते हैं और इनकम टैक्स विभाग का जो अधिकारी है वो उस सोर्स जो आप बता रहे हैं उससे संतुष्ट होता है, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो आप पे पेनल्टी चार्ज वगैरह सब लगा सकता है। एक चीज और है कि अगर आप सोर्स नहीं बता पाते, कोई लेजिट सोर्स नहीं बता पाते कि भाई मेरे पास ये पैसा कहां से आया है, तो इसको बोलते हैं हम अनएक्सप्लेन्ड, यानी अनएक्सप्लेन्ड सोर्स हो गया कि आपने सोर्स बताया नहीं, कि अनएक्सप्लेन्ड है ये, आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप पर 60% तक का टैक्स लगाया जाएगा। एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, कई बार हम क्या होते हैं कि किसी दोस्त के पैसे होते हैं हम अपने अकाउंट में ले लेते हैं और किसी और दोस्त को देने होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास नोटिस आया, हमने बताया कि सर ये पैसे तो मेरे नहीं है, किसी दोस्त ने मेरे अकाउंट में डलवा दिए थे, तो उस दोस्त से जानकारी की जा सकती है। और अगर वो दोस्त है वो अगर सही सोर्स नहीं बता पाया तो भी प्रॉब्लम होगी, या वो मुकर गया कि भाई मेरे नहीं है पैसे, मैंने इनके अकाउंट में पैसे नहीं डलवाए, तो भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और अनएक्सप्लेन में जाने के बाद आपको 60% जो है टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं कि आपको अगर मान लो और भी ज्यादा विड्रॉ करते हैं, तो अगर आप 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक विड्रॉ कर लेते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, तो यहां पे एक प्रावधान है कि आपका TDS कट होगा, जो बैंक है वो आपका TDS
कट कर लेगा। अब यहां पे एक चीज और समझने वाले कि अगर आप ITR फाइल करते हैं और आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो अगर मान लीजिए आप ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं और उसकी जो डिटेल है वो इनकम टैक्स विभाग को चली भी जाती है, तो वहां पे जो इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी होगा वो आपकी जो ITR है और जो आप डिपॉजिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको कंपेयर करेगा और उसको लगेगा कि यार गड़बड़ है, तो ITR तो कम की दिखाई है, पैसे ज्यादा डिपॉजिट हुए, तो वो आपसे जवाब मांगेगा कि भाई ये किया तो कैसे किया, तो वो आपको सब सोर्स वगैरह सब चीज बतानी पड़ेगी। तो ये भी एक चीज होती है। इसके अलावा आपका जो पैसा सेविंग अकाउंट में जमा होता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगता है। 10,000 रुपए अगर आपका इंटरेस्ट है, 10,000 से कम है तब तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन 10,000 रुपए से ऊपर अगर आप इंटरेस्ट कमाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट से, तो वहां पे जिस भी स्लैब में आप इनकम टैक्स की में उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज और है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैश में ही ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये सेविंग अकाउंट के लिए ही प्रावधान है। तो आप सेविंग अकाउंट अगर यूज करते हैं, कितने भी अकाउंट यूज करते हैं, 1 फाइनेंशियल ईयर में 10,00,000 रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करने से बचे, अगर आपके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं है बताने के लिए, तो वरना आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।